तो वही सबने ये वाली है सबसे हाई स्पीड। और ये वाली है भाई अपनी मीडियम स्पीड। और ये वाली स्पीड है भाई सबसे लो स्पीड। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अवर न्यू वीडियो। तो भाई आज अपने एग्जस्ट यानी कि एक 5 ब्लेड मोटर को वाइंडिंग करने वाले हैं, जो कि आपने कुछ अभी वीडियो में देखा ही हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए भाई वीडियो की इन्फॉर्मेशन पर चलते हैं। मोटर की इन्फॉर्मेशन में भाई यहाँ पर 2 इंच अंदर से और 4 इंच बाहर से, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ कम 4 इंच अपनी बाहर साइड है, ठीक है। और यहाँ पर 1 इंच इसकी स्टेटर की मोटाई है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके का स्टेटर है तो आप ये डाटा यूज करोगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 7 नंबर का PVC पेपर मैंने लगा लिया है। अगर आपको भाई मोटर को बहुत ज़्यादा टाइम तक चलाना है तो यहाँ पर आप कागज के पेपर का यूज कर सकते, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने जो है क्वाइल की डिस्टेंस यानी कि क्वाइल की जो लेंथ है वो भाई यहाँ पर 23.5 इंच है, ठीक है, गोलाई में। तो भाई यहाँ पर आपको 4 क्वाइल का सेट बना लेना है, जिसके अंदर हम जो है 160 160 160 टर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है रनिंग की क्वाइल है अपनी, और यहाँ पर रनिंग की क्वाइल बिल्कुल सादा तरीके से बनेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली क्वाइल को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी 4 क्वाइल बन चुके हैं, जिसमें कोई भी लूप नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो भाई चलिएगा, अपनी क्वाइल यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब जो है इसे डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने डालना किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो अपनी जो है स्पीड की जो क्वाइल है वो अभी स्टार्टिंग की क्वाइल में स्पीड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो अपनी स्पीड की क्वाइल बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को देखते हैं, मतलब क्वाइल किस तरीके से डालते हैं, मैं आपको ये चीज़ और बता देता हूँ। तो भाई जैसा कि मैं पहले ही एक क्वाइल डाल चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको मैं दूसरी क्वाइल आपको बता देता हूँ, ठीक है। कनेक्शन विद कनेक्शन सहित बताऊंगा, ताकि इस वजह से मैंने पहली क्वाइल को इस वजह से ही डाला था, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए। तो यहाँ पर जो अपनी नॉर्मली सारी क्वाइल एक जैसी ही डलती हैं, और यहाँ पर 104 में, ठीक है, बीच में 2 स्लॉट छोड़ के 104 में आपको क्वाइल को डाल लेना। और यहाँ पर कनेक्शन कुछ इस तरीके से रखने हैं, जिस तरीके से अभी मैंने बताया, सीधे हाथ से सीधे हाथ, और मैं आपको थोड़ा सा अभी बाद में बता दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी टेंशन लेने की बात नहीं, कनेक्शन में आपको समझा दूँ। तो भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कनेक्शन के बिना अपनी मोटर जो है नहीं चलेगी। तो यहाँ पर कनेक्शन थोड़े से यहाँ पर जरूरी होते हैं, क्वाइल तो हर कोई डाल सकता है, लेकिन कनेक्शन हर किसी पर नहीं आते। तो यहाँ पर अपनी पहली क्वाइल यानी कि 104 में हमने एक बार यहाँ पर भाई बैठा दिया, ठीक है। एक क्वाइल को सिर्फ 104 में क्वाइल पिच यानी कि बीच में 2 छोड़ के 104 में कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्वाइल को कुछ इस तरीके से मोड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कुछ इस तरीके से पूरी क्वाइल को ले जाते हैं फिर मतलब डालते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही मोड़ना है। हालांकि अगर तुम पूरी क्वाइल को ले जाके मोड़ोगे तो मतलब हर तरीके से आपकी मोटर चल जाएगी। यहाँ पर किस तरीके से ही मोड़ दो क्वाइल को, मोटर चल जाएगी, लेकिन भाई प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा लोगे इसे वाइंडिंग करने में, और मैं नहीं चाहता भाई आपका जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको क्वाइल पिच 104 में एक बार हमने घुमाया था। अब इसमें जो भाई क्वाइल पिच 106 में अब कुछ इस तरीके से हमें इसमें 2 बार घुमाना है, ठीक है। क्वाइल को हमें जो है 2 बार घुमाना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कुछ भी कैसे भी मोड़ लो क्वाइल को, चाहे इस तरीके से मोड़ लो, चाहे आप किसी भी तरीके से मोड़ लो, यहाँ पर जो आपके कनेक्शन सही होने चाहिए, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। कनेक्शन सही होने चाहिए, क्वाइल को किस तरीके से मोड़ लो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है इसी तरीके से मोड़ना जिस तरीके से अभी मैंने बताया था। अपनी मतलब एक साइड से ही मोड़ के डायरेक्ट डाल दो, ये नहीं है पूरी क्वाइल को मतलब घुमाते फिरो, ऐसा नहीं करना। तो क्वाइल पिच भाई यहाँ पे 106 में जो है अपनी क्वाइल जो है डल के रेडी हो चुकी है, ठीक है। एक साइड से हमने डाल लिए, और यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी में दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से हमें दूसरी साइड भी बैठा के ऊपर से PVC पेपर को लगा देना है, ठीक है। तो वैसे अपनी यहाँ पर जो है पूरी क्वाइल डल के पूरी रेडी हो चुकी है। तो चलिएगा, अब यहाँ पर मैं आपको पूरी क्वाइल दिखा देता हूँ किस तरीके से डली है। तो भाई अपनी सारी क्वाइलें जो है कुछ इस तरीके से अपनी डल के रेडी हो चुके हैं। सारी तो नहीं है, अभी 4 ही हैं, अभी इसके ऊपर 4 रोड डलेंगे तभी अपनी पूरा स्टेटर बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे मेन पार्ट यानी कि कनेक्शन बताता हूँ किस तरीके से करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीधे हाथ पे एक लीड छोड़ी है मैंने, सीधे हाथ पे पकड़ी, अब ये सीधे हाथ का एक उठा के सीधे हाथ पे जोड़ देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो अपना सीधे अब यहाँ पर अपने उल्ट मतलब सीधे हाथ की तरफ से फिर एक कनेक्शन निकला इस वाले, अब दूसरी क्वाइल के फिर से सीधे हाथ पे ले आना इसे, ठीक है। यहाँ पर जो है अब इसके उल्टे हाथ से निकला, यहाँ पर उल्टे हाथ से दिख रहा है यहाँ पर इस साइड से, अब अगली क्वाइल के जो है इसी साइड में जो उल्टे हाथ से, तो उल्टे हाथ की साइड में इस तरीके से तार को जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपने कनेक्शन इसी तरीके से नॉर्मली हो जाएंगे, और मुझे यकीन है कि भाई बहुत सारे लोग मतलब नॉर्मली पंखा तो बांध लेते हैं, लेकिन मैं 3 स्पीड की वीडियो बना रहा हूँ तो इसी वजह से मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं। तो वही चलेगा, यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग क्वाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 23.5 इंच थी, और यहाँ पर आप 22.5 इंच गोलाई कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको 1 इंच यहाँ पर घटा लेना है, और यहाँ पर अपनी 3 क्वाइलें बनानी है, जिसमें आपको 150 150 150 टर्न करनी है। यहाँ पर टोटल तो वैसे 4 क्वाइल बननी है, पहले आपको 3 क्वाइल बना लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पीड की क्वाइल भी बनानी है। यहाँ पर जो अपनी 4थी क्वाइल जो बनेगी लास्ट में, उसमें हम स्पीड की लूप निकालेंगे, जिसमें जो अपनी मतलब स्पीड घटेगी बढ़ेगी, उन्हीं लूपों से घटेगी और बढ़ेगी। तो भाई यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर 150 टन करनी है, और यहाँ पर 32 नंबर तार यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर जो 5 ब्लेड मोटर है नी अपनी, ये जो है 5 पंखड़ी जो होती है नॉर्मल, वही ब्लेड है, वही मोटर है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर जो है
3 क्वाइलें जल्दी जल्दी बना लेते हैं, जिसमें जो है सब मतलब तीनों क्वाइलों में 150 टन करने थे। अब यहाँ पर अपनी चौथी क्वाइल जो बनेगी, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसमें आपको चौथी क्वाइल मतलब 3 क्वाइल बनने के बाद यहाँ पर आपको एक लूप निकालनी है, ठीक है। चौथी क्वाइल बनाने से पहले कुछ इस तरीके से एक लूप निकाल लेनी है, और यहाँ पर ये जो है मतलब सबसे लो स्पीड की होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको लूप निकाल के आपको मतलब साइड में कर देना है, ठीक है। ये हमारी जो है मतलब चौथी क्वाइल और 3 क्वाइल के बीच की लूप है, ठीक है। तो अपनी यहाँ पर लो स्पीड की लूप जो है निकल चुकी है। अब यहाँ पर आपको चौथी क्वाइल बनानी स्टार्ट करनी है। अब इसमें जो आपको 75 टन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब जो है 75 टन कर लेने हैं, और यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी मैं आपको 75 टन करके दिखा देता हूँ। अब ये अपनी मतलब चौथी क्वाइल है, उसी के अंदर पहले 75 टन करने के बाद फिर से एक लूप निकलेगी, जो कि हमारी मीडियम स्पीड की होगी। यहाँ पर जो अपनी 75 टन हो चुके हैं, और इसके अंदर फिर से एक लूप निकाल लेनी है, जो कि हमारी मीडियम स्पीड की। और मुझे यकीन है भाई आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, मुझे भाई पूरा यकीन है, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपनी तरीके से मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता यार आपको कैसी लग रही है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने 75 टन के बाद फिर से एक लूप निकाल लिए चौथी क्वाइल में से, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक लूप निकालने के बाद अब फिर से यहाँ पर 75 टन कर देंगे, यानी कि इसके अंदर जो है टोटल 150 टन हो जाएंगे। 150 बोले तो भाई यहाँ पर 150 टन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 150 टन अपने पूरे करने के बाद यहाँ पर आपको क्वाइलों को आराम से निकाल के फिर भाई इसमें मोटर में इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फाइनली अपनी यहाँ पर स्टार्टिंग की क्वाइल बनके पूरी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो अपनी स्टार्टिंग क्वाइल डाली किस तरीके से जाएंगी, नॉर्मली सब एक जैसी ही डाली जाती है क्वाइल, ठीक है। कनेक्शन इसके भी वही रहेंगे जो अपनी पहली रनिंग क्वाइल के रहे थे। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको क्वाइल को डालना है, यहाँ पर जो है मतलब क्वाइल पिच 1-4 में आपको डालना है, ठीक है। कनेक्शन वही रहेंगे जैसे आपने रनिंग क्वाइल में करे थे, वैसे ही कनेक्शन नॉर्मल मतलब कह सकते हो बिल्कुल रनिंग क्वाइल की तरह ही डालना है, ज़्यादा कुछ भी बड़ा नहीं करना। बस इसकी लूप है जो है उस साइड में निकालनी है, जिस तरीके से मतलब जिस तरफ अपने कनेक्शन निकलते हैं। तो वीडियो में आपको भाई यहाँ पर क्लियर चमक रहा होगा मैं कौन सी स्लॉट में जो है क्वाइल को बैठा रहा हूँ। यहाँ पर जो है क्वाइल पिच 1-4 में एक क्वाइल के ऊपर, जिसमें हमने रनिंग की क्वाइल जो डाली थी, जिसमें हमने 150 टन करी थी, उसी क्वाइल के ऊपर मतलब जिसमें हमने एक बार जो घुमाया था ना, एक बार रनिंग की क्वाइल सिर्फ एक बार चक्कर मारा था, तो उसी के अंदर हमें दोबारा से डाल देनी है अपनी स्टार्टिंग की क्वाइल, जो कि अब डाल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल कुछ इस तरीके से अपनी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इस तरीके से अपनी क्वाइल डल जाएगी। और क्वाइल डालते पे भाई यहाँ पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अपना तार जो है यहाँ पर छिल नहीं पाए। अगर छिलता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे भाई नहीं छिले। अगर छिल जाता है तो उस पर कार बनाने के बाद वो तार जो है गल जाता है, गलने की वजह से जो है मोटर नहीं चलती, मतलब तार टूट जाता। तो यहाँ पर अपनी जो है एक साइड से अपनी क्वाइल डल चुकी है। पेचकस की मदद से कुछ इस तरीके से अपनी पहली क्वाइल को दबा लेना है, और यहाँ पर फिर से जो है इस क्वाइल को बैठा देना ऊपर से। तो बहुत नॉर्मल मतलब बहुत मुझे लगता है कि हर कोई जो है डाल सकता है, बहुत ईजिली तरीका है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ पर भाई अपने कमेंट करेंगे कि तुम्हें आता है काम, तो इस वजह से तुम्हें कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप करोगे एक दो बार कर दोगे तो आप बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पर अपने कुछ इस तरीके से फिर से 1-4 क्वाइल पिच 1-4 में हमने एक बार घुमाया था, क्वाइल पिच 1-6 में अब जो डाल रहे हैं इसमें दो बार घुमा देंगे, जिस तरीके से हमने रनिंग क्वाइल को घुमाया था उसी तरीके से ये भी घूमेगी, ठीक है। दो बार यहाँ पर घुमा देंगे तो अपनी यहाँ पर जो है क्वाइल नॉर्मली तरीके से डल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अपने दूसरी बार घुमा देते हैं, और यहाँ पर फिर से बैठा देते हैं उसी के ऊपर, फिर इसके ऊपर से PVC पेपर लगा के कवर कर देंगे, ताकि हमारा पेपर बाहर को ना निकले। तो भाई अपनी यहाँ पर जो है क्वाइल डल के जो है मतलब पूरी रेडी हो चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कुछ जिस तरीके से अपनी पूरी क्वाइल जो है यहाँ पर डल, ज़्यादा कुछ भी नहीं था भाई, जैसे कि नॉर्मल क्वाइल डलती हैं वैसे ही डलती हैं। तो ठीक है, अपनी दो लूप जो है अपनी इस तरीके से अपनी निकल चुकी हैं, ठीक है। अपनी एक क्वाइल एक लूप जो है 75 टन पे निकली थी, और एक जो है दो क्वाइलों के बीच में जो निकली थी ये वाली लूप जो है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना ये वाला तार है जो कि अपना मतलब सिरा है इसका क्वाइल का। तो गाइस अपनी यहाँ पर पूरी मोटर जो है वाइंड होकर तैयार हो चुकी है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो लूप निकली हैं और दो सिरे निकले हैं, ठीक है। जो आपने मैंने इसे छल्ले बना रखे हैं, तो वो ये अपनी स्टार्टिंग क्वाइल के सिरे हैं, और ये अपनी जो है लूपें हैं, ठीक है। तो दोनों लूपों से ही भाई यहाँ पर जो है कम स्पीड और ज़्यादा स्पीड होने वाली है। यहाँ पर ज़्यादा स्पीड नहीं होती, जो नॉर्मल स्पीड होती है बस उससे ही मतलब कम स्पीड हो जाती है, बस यही है और कुछ नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी जो है रनिंग की है, और ऊपर वाली अपनी स्टार्टिंग की है, ठीक है। ये अपनी दो लूप हैं, और अब मैं आपके यहाँ पर जो है कनेक्शन बताता हूँ किस तरीके से कनेक्शन करने हैं। इन लूपों को थोड़ा सा यहाँ पर साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पर कनेक्शन पहले क्या करना है आपको, जो अगर मोटर उल्टी चलानी है, यानी कि घड़ी जैसे उल्टी घूमती है ना, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है।
तो आपको इन दोनों तारों को यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है, आपस में इन दोनों तारों को जो है आपस में मिला देना, पहले स्टार्टिंग का, फिर जो है इसके पीछे वाला, सॉरी ये आगे वाला था, इसके पीछे वाला रनिंग का, इस तरीके से आपको जोड़ना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है यहाँ पर मोटर उल्टी चलेगी। अगर ये भाई इस वाली से आगे, मतलब मोटर को सीधा चलाना है, तो आप आगे वाली तार से जोड़ सकते हो। तो हमें जो मोटर को उल्टा चलाना है, तो कुछ इस तरीके से तार को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर भाई आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से देखना है, ये नहीं है कि हल्के से इग्नोर करना है, यहाँ पर आपको बस कनेक्शन पर ध्यान देना है, थ्री स्पीड के होते किस तरीके से कनेक्शन। यहाँ पर जीरो नंबर की स्लिप डाल लेंगे ताकि जो है मतलब कोई शॉर्टिंग की दिक्कत ना हो। तो अपनी जो है इन दोनों तारों को जो है मिलाने के बाद यहाँ पर अपने होता क्या है, इसमें जो है भाई ब्लैक कलर का तार जुड़ेगा, जो कि अपनी सबसे हाई स्पीड के लिए रहेगा, ठीक है। अपना जो है ब्लैक कलर का तार यहाँ पर जोड़ेंगे और इसके ऊपर जो बॉर्नेस है उसे छुटा देंगे ब्लेड की मदद से, या किसी भी चीज़ की मदद से आप छुटा सकते हो, लेकिन आपको भाई यहाँ पर बॉर्नेस जो है ज़रूर छुटा देनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपनी जो है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, और यहाँ पर जो अपने जो है सबसे हाई स्पीड के लिए ब्लैक तार जोड़ेंगे, और फिर जो है मीडियम स्पीड के लिए, फिर जो है लो स्पीड के लिए, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है टोटल काम करते हैं। तो अपने यहाँ पर स्पीड के लिए अपने ब्लैक का ब्लैक तार जो अपने जोड़ चुके हैं, अब यहाँ पर जो है आपको मीडियम स्पीड करनी है, ठीक है। मीडियम स्पीड किससे होगी, जो आपने बीच में टन मतलब 75 टन के बीच में जो निकाली थी, ये कुछ ये वाली, ठीक है, ये वाली अपने ये गांठ बांध दी थी उस टाइम 75 टन पे जो निकाली थी अपनी, ये मीडियम स्पीड। इसमें जो अपने व्हाइट कलर का तार जोड़ेंगे, जो कि अपने मीडियम स्पीड के लिए रहेगा। तो इसे भी भाई यहाँ पर जो है छील के आराम से जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ज्वाइंट थोड़े अच्छे तरीके से लगाने, ताकि जो है कोई भी जंग बंग आके ना हो। तो अपने सफ़ेद तार जो ले लेना है। अगर आपके पास कोई भी मतलब तार रंग बिरंगे नहीं है, तो आप जो नॉर्मल तार का यूज कर लेना, और उन पे जो टेपिंग करके जो है निशान बना लेना कौन सी स्पीड का है। वरना तो आप जब मतलब कनेक्शन करके जो है आप चेक करोगे, तो खुद ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर अपनी धीरे घूम रही है तो लो स्पीड है, और यहाँ पर अपनी बराबर में घूम रही है तो मीडियम है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने लाल तार ले लेना सबसे लो स्पीड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है दो कॉइलों के बीच में जो अपनी जो लूप निकाली थी, सबसे पहले जो लूप निकाली थी, ये अपनी लो स्पीड के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपनी सबसे लो स्पीड के लिए लाल तार को जोड़ देना। तो अपने यहाँ पर तीनों स्पीड की तारें जो है अपनी बन चुकी हैं, और जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने ज्वाइंट लगा के इस तरीके से अपने अब मतलब स्पीड के लिए तारे निकल गई हैं, ठीक है। तो अब आपको भाई करना क्या, अब यहाँ पर जो अपनी स्पीड की तारे निकल चुकी हैं, अब यहाँ पर अपनी दो तार बची हैं अपनी, एक रनिंग के लिए और एक स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो तरीके के तार लेने हैं, जो कि अपने एक ब्लू है और एक ये भाई येलो, ठीक है, पीला वाला। अब इन दोनों को आपस में कुछ इस तरीके से मिला लेंगे, और फिर इसके बाद जो अपने रनिंग के तार में कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपने रनिंग का तार जो अपने सबसे पहले जो कॉइल डाली थी रनिंग के तार में जो जोड़ेंगे इन दोनों तारों को आपस में मिलाने के बाद। तो इसमें होगा कि अपनी जो ब्लू वाली वायर है ये अपनी कॉमन बन जाएगी, और जो मतलब येलो वाली जो वायर है वो अपनी जो है कंडेंसर के लिए निकल जाएगी, और दूसरी जो मतलब कंडेंसर के लिए दूसरी जो वायर निकलेगी वो अपनी एक स्टार्टिंग का जो पल्ली साइड जो सिरा है उसमें से निकलेगी, ठीक है। अब इसमें जो है अपने पीला तार जोड़ लेंगे, ये अपने दूसरा जो है कंडेंसर के लिए, यहाँ पर इसमें जो दूसरी तार जुड़ेगी कंडेंसर के लिए, तो यहाँ पर भी पीली तार जोड़ लेते हैं। पीली तार जोड़ने के बाद अपने यहाँ पर सारे कनेक्शन जो हो चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे लीडें बन चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको पीली तार जो कुछ इस तरीके से अलग कर लेनी है, जो कि भाई अपने कंडेंसर के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी तीन स्पीड की बची है, और ब्लू वाला कॉमन बचा है जिस पर हम लाइट देंगे, ठीक है। इन तीनों पर एक एक करके स्पीड के लिए तार जैसे भी मैं बता दूंगा, ठीक है, जैसे कुछ भी होगा आगे। तो यहाँ पर अपनी लीड बांधते हैं, लीड बांधने के लिए यहाँ पर आपको स्लिप चढ़ा लेनी है सब पर, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। वैसे नॉर्मली स्लिप तो भाई दुनिया चढ़ाती है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने स्लिप चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको जो है पीले तारों को जो है साइड में निकाल देना, और चार जो तार हैं अपने रेड येलो और ब्लैक वाइट, ठीक है, इन चारों तारों को अलग निकालना है। तो कुछ इस तरीके से अपने चारों तारों को निकालने के बाद यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा लगा लेना है, ताकि अपनी शॉर्टिंग सर्किट ना हो, ठीक है। यहाँ पर जो कागज का टुकड़ा लगाने के बाद ढंग से मतलब अच्छे तरीके से कस के बांधना है, और अच्छी तरीके से मतलब तार जो सूत ना पाए बाहर से अगर खींचे तो भाई, अगर आप भी बढ़िया तरीके से लीड बांध लेते हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। यहाँ पर जो अपनी लीड बांध के यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। वैसे नॉर्मली मैं कुछ इसी तरीके से लीड बांधता हूँ, कोई भी फंदा बंदा लगा के नहीं बांधता, और आप भी कुछ इसी तरीके से बांधते हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अपनी पूरी लीड यहाँ पर बांध के तैयार हो चुकी है, और अपनी मोटर जो है अपनी कुछ इस तरीके से अपनी पूरी फिनिशिंग के साथ भाई बहुत बढ़िया तरीके से दिख रही है, पूरी रेडी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अपनी पूरी मोटर रेडी हो चुकी है और बढ़िया। तो वैसे चलेगा, अब है भाई टेस्टिंग की बारी। अब यहाँ पर अपने टेस्ट करते हैं मोटर को। यहाँ पर अपने ब्लू वाले तार में एक लाइट का तार जोड़ लेना है, ठीक है। एक लाइट का तार जोड़ने के बाद अब यहाँ पर अपनी तीन स्पीड है, तो तीनों स्पीडों को धीरे धीरे एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक छुआ कर देखेंगे लाइट के दूसरे तार को, और यहाँ पर स्पीड चेक करेंगे, और मैं आपको पंखड़ी लगाकर भी दिखाऊंगा। पहले अपने नॉर्मल देख लेते हैं किस तरीके की स्पीड आ रही है, और चलेगा। अब यहाँ पर स्विच को लगा देते हैं, और क्या, अब आगे बोलने के लिए कुछ यहाँ पर बचा नहीं है।
अपना स्विच लग चुका है और यहाँ पर अपनी सबसे हाई स्पीड पे अपनी मोटर सिस्टम चल रही है। ये अपनी मीडियम स्पीड और ये अपनी लो स्पीड। वीडियो में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा और यहाँ पर मैं पंखड़ी लगाऊंगा तभी आपको पता पड़ेगी क्या होता है। तो चलेगा पंखड़ी लगाते हैं। तो भाई अपनी पंखड़ी जो यहाँ पर लग चुकी है और कुछ इस तरीके से अपनी ये हाई स्पीड है, ठीक है, और ये अपनी मीडियम स्पीड है। आवाज़ से ही आपको पता पड़ रहा होगा, ठीक है, ये अपनी लो स्पीड है। तो भाई कुछ इस तरीके से अपनी पूरी मोटर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगी थी इस वीडियो बनाने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।